हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुखाटी टी20 लीग की, जो कि मैच हो गया ऐसे फ्यूचर मैचर्स वर्सेस अजमन हीरोज के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ मिलेंगे आपको एक यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ पौंडुचेरी T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में दी जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनके अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर टेलीग्राम में दी जाती है। बात करूं इस मैच की, तो यह मैच शाम को 6 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से शॉर्ट बाउंड्रीज और बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ से ज्यादा रन बनते हुए नजर आ सकते हैं आपको। इवन बॉलर्स की बात करो तो पेशर्स को शुरुआत के अंदर हेल्प मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जो एडवांटेज है यहाँ से बैट्समैन को एडवांटेज मिलेगा। एवरेज स्कोर की बात करो तो एवरेज 150 के प्लस स्कोर आराम से बनता हुआ नजर आ सकता है, इवन 200 के आसपास भी स्कोर जा सकता है। तो बात करें यहाँ से सबसे पहले टीम फ्यूचर मैट्रेस की, देखो फ्यूचर मैट्रेस की बात करो तो यहाँ से इनके पास ओपनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन मीन यहाँ से देखो अंसार खान भी ओपनिंग करवा सकते हैं, रोहन मुस्तफ़ा भी ओपनिंग करवा सकते हैं, यहाँ से आर्यन लाकरा, जवाहर फरीद, अब्दुल शुकुर है, यहाँ से आलिशान शरफू है। तो ये कुछ चार पाँच प्लेयर है, चारों पांच जितने भी मैंने नाम दिए वो सारे ही यहाँ से ओपनिंग में खेल चुके, यानी कि अलग अलग टीम के लिए यहाँ से ओपनिंग वगैरह करवा चुके। तो देखो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि ऐसे ओपनिंग कौन करवा सकता है, तो यहाँ से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है। इवन हो सकता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ से AJH में भी हमने देखा था, यहाँ से अजमन हीरोज में भी, कि पहली मैच जब खेली थी जहाँ पर बड़े प्लेयर खेले नहीं थे, तो यहाँ पर भी हो सकता है शायद बड़े प्लेयर को आराम दिया जाए। तो सबसे पहले बात करें यहाँ से ओपनिंग की, तो मेरे ख्याल से ऐसे अंसार खान और ऐसे रोहन मुस्तफ़ा दोनों ओपनिंग करवाने चाहिए। देखो अंसार खान है यहाँ से एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट, यानी कि वेद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ ही वो बॉलिंग से भी कमाल करता है। तो यहाँ से अंसार खान डेफिनेटली एक अच्छी पिक बन सकता है, क्योंकि ये बंदा 99% यहाँ से ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। बाकी रोहन मुस्तफ़ा की बात करो, रोहन मुस्तफ़ा दुबई क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि यार बहुत लंबे समय तक यहाँ से UAE की तरफ से कैप्टनशिप वगैरह करवा चुका है, और कई बार यहाँ से UAE को जीत दिलाने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी अनुभवी प्लेयर्स है, तो इनको तो डेफिनेटली लेके जाएंगे। इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है, यहाँ से मैं टॉप ऑर्डर में जितने भी प्लेयर बताता वो सारे प्लेयर्स यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी चॉइस बनेंगे। अंसार खान इंपॉर्टेंट, रोहन मुस्तफ़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आर्यन लाकरा तो बैटिंग के साथ साथ जैसे बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन आई थिंक शायद अगर रोहन मुस्तफ़ा और अंसार खान भी है तो शायद ये कम ओवर्स करवाए, यहाँ से एक आधी ओवर्स करवाए, लेकिन ओवर्स करवाएंगे जरूर। तो यहाँ से आर्यन लाकरा भी बैटिंग के साथ साथ यहाँ से ओवर्स भी करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छी चॉइस है यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन से भी, इनको भी ट्राई कर सकते हो। जवाहर फरीद, अभी देखो लास्ट अभी सीजन की बात करो तो ये दोनों प्लेयर्स यहाँ से अपनी टीम के लिए ओपनिंग करवा देते, आई थिंक शायद टीम का नाम यहाँ से RK ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो उस टीम के लिए कैप्टन ओपनिंग करवा देते यहाँ से जवाहर फरीद। तो ये भी अब ऊपर से भी खेल सकते हैं, इवन साथ में ओवर्स वगैरह भी करवा सकते हैं। देखो ज्यादातर गेंदबाजी करवाते नहीं है, हालांकि 88 मैच के अंदर 179 ओवर्स की गेंदबाजी कर चुके हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होने के कारण शायद वो ओवर्स करते हुए नजर ना आए, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं। तो ये चारों ही तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं सैयद हैदर की, तो आई थिंक शायद पहली बार खेलेंगे इस टीम के लिए, और 192 मैच खेल चुके, जहाँ पर 6,959 रन किया करीबन 45 की एवरेज से, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर्स है यहाँ से, 36 विकेट भी निकाल चुके हैं। तो बॉलिंग से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर इतना मजबूत होने के कारण शायद उनको खेलने का मौका थोड़ा सा कम मिले, यानी कि शायद बैटिंग भी ना आए, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा यहाँ से मैं डाउटफुल प्लेयर मानता हूँ। हालांकि प्लेयर्स अच्छे हैं यहाँ से, इनको इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अगर बैटिंग ही नहीं आएगी तो फिर वो रन भी क्या कर सकते हैं। बाकी अब्दुल शुकुर और यहाँ से आलिशान शरफू, ये दोनों ही विकेट कीपिंग वगैरह भी करवा लेते हैं, तो यहाँ से इन दोनों में से कौन विकेट कीपिंग करवाएगा, ज़्यादातर चांसेस यहाँ से अब्दुल शुकुर का है, और ये बंदा कभी कभी ऊपर से भी खेल सकता है, हो सकता है ओपनिंग भी करवा ले। तो यहाँ से अब्दुल शुकुर एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए, विकेट कीपिंग सेक्शन ही इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी आलिशान शरफू की बात करूँ तो यहाँ से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक आधी ओवर्स करवा सकते हैं।
देखो अगर विकेट कीपिंग यहाँ से आलिशान शर्पू करवाते, क्योंकि अगर शिकूर नहीं खेलेंगे तो यहाँ से आलिशान शर्पू आपको विकेट कीपिंग में दिखेंगे, तो फिर ये बॉलिंग नहीं करवाएंगे। तो बॉलिंग से कोई ज़्यादा उम्मीद करिएगा भी मत। बाकी बैटिंग से अगर बैटिंग करने का मौका मिला तो यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। बाकी उमर अली वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से, ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। ताहिर लतीफ ये भी आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, ये दोनों तो आपकी टीम के अंदर 100% रहने चाहिए। ऐसे मोहम्मद मुदस्सर, तो ये जो तीन बॉलर्स मैंने बताई, इन तीनों ही बॉलर्स को आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए। इवन थोड़ा सा रिस्क खेलो तो यहाँ से अली रजा के ऊपर भी रिस्क ले सकते हो। ये बंदा भी क्या उस लेवल का प्लेयर है जो कि कभी भी आपको दो तीन विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहे क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। ऐसे सैफ जंजुआ, यहाँ से अमजद गुल एक अच्छे प्लेयर है, यहाँ से सरदार बहजाद एक अच्छी पिक है, अब्दुल गफ्फार है विकेट कीपिंग सेक्शन में, वो भी विकेट कीपिंग करवा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, ऐसे मोहम्मद उस्मान भी एक अच्छे प्लेयर है, ये प्लेयर्स खेलता हुआ नजर आ सकता है, 70% चांसेस है खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो इनमें से कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको वहां पर आसानी रहे चेंजेस वगैरह करने की। तो चलिए बात करते हैं ऐसे टीम ए जे एच की, तो एक मैच खेली और यहाँ से हार के आ रही है 189 रन करने के बावजूद। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छा बैटिंग के लिए कितनी अच्छी पिच रह सकती है, क्योंकि 189 रन करने के बावजूद यहाँ से टीम हार के आ रही है, तो यहाँ से बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छी पिच मानी जा सकती है। और बड़े बड़े प्लेयर्स लास्ट मैच खेले नहीं थे, यहाँ से अदनान उल मुल्क नवाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे लास्ट मैच के अंदर 49 रन की पारी के लिए। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड उनके ठीक ठाक है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ओपनिंग करवा सकते हैं। चरित नीलमर काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, यहाँ से बैटिंग के साथ साथ यहाँ से बॉलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर शायद मैं इनको पिक ना करूं, क्योंकि सामने वाली टीम मजबूत है और यहां से बैटिंग से यानी कि जो बैटिंग करता है इनसे वो थोड़ी सी कमी उम्मीद रखेगा, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। खालिद शाह लास्ट मैच के हमारे डिफरेंशियल पिक नहीं, यहाँ से इनको सेफ पिक के लिया जा रहा था, लेकिन लास्ट मैच में मैंने उनको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए जरूर चॉइस दी थी। तो इस मैच के अंदर भी आप इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, इवन ज़्यादातर जनता इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके भी आ सकती है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी मोहम्मद अजमल एक अच्छी पिक रहेंगे, बैटिंग से भी ऊपर आए, इवन चार ओवर्स भी बुरी के, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अदनान आरिफ जो है वो यहाँ से ओपनिंग भी करवा सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है ओपनिंग भी करवा लेता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, 67 विकेट रन खेल के मैच खेल के यहाँ से करीबन 40 के एवरेज से 1808 रन कर चुके हैं, 12 विकेट भी निकाल चुके हैं, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी नासिर अजीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच की हमारी यहाँ से पंट पिक रही थी, चार ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाली थी, और ऐसे ओवरऑल भी उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, तो इनको एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, इनको लेके जा सकते हो। लेकिन बात करते हैं ऐसे संचित शर्मा की, ये बंदा भी यहाँ से तीसरे या चौथे नंबर पर भी बैटिंग कर सकता है, साथ में ओवर्स हर एक मैच के अंदर पूरी करवा सकता है, तो इसको डिफरेंशियल वे में ग्रैंड लीग वगैरह में या फिर ऐसे 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग में यहाँ से संचित शर्मा को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी डी क्रूज थोड़ी सी ओके ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, सुल्तान अहमद अच्छे बॉलर से, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी नव पबरेजा और अंकुश अगवानी ये दोनों डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, ये दोनों ही प्लेयर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ और दोनों ही आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। अंकुश अगवान भी हमारे लास्ट मैच के अंदर पंट पिक रहे थे, जिनका सिलेक्शन आई थिंक शायद 20% से ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारी टीम में थे, जहाँ पर उन्होंने वन साइडेड विनिंग करवाने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे नव पबरेजा और संचित शर्मा स्टार्ट करेंगे, डेथ ओवर्स में मोहम्मद अजमल और यहाँ से अंकुर सगवान यहाँ से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी बेंच से देखो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे बेंच से खेलने के लिए कभी भी आ सकते हैं, सागर कल्याण यहाँ से, अदनान खान आ सकते हैं, फैजल शेख, फैजल बैग भी एक इम्पोर्टेंट पिक बन सकते हैं, ऐसे वजह रसूल एक अच्छी पिक बन सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टेट्स टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे वहां पर चेंजेस वगैरह करने की। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे अवॉइड करके जा सकते हैं। गर्मी लाजी क्वेश्चन मिलो बे मिनट जाओ गीतू तो तुम छोड़ के तू बड़ी जाए ये तो अवली जाए मारा भैया अबड़ा वाला अवली जाए इतना आरिफ डी क्रूज मोहम्मद उस्मान अंसर खान फैसल बेग में गफ्फर बकाल दो रमैन था चतकू
तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो खाली छह हमारे लिए बेस्ट पिक रहेंगे, खाली छह विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी पिक रहने वाले हैं। देखो यहाँ से बात करो तो ये अब्दुल शुक्र भी एक अच्छी पिक बन सकती है, ऐसे जंजुआ भी अच्छी पिक है, ऐसे या नहीं देखो अगर कोई भी खेलता है ये जो प्लेयर्स है ऐसे सैयद हैदर शाह, ये बंदा कभी भी ऐसे उलट पुलट कर सकता है पारी को कभी, यानी कि सेंचुरी लगाई थी लास्ट एक मैच के अंदर वहाँ पर उन्होंने डिफेंस इलेवन में, तो इनको ट्राई कर सकते हैं। से अदनान खान अगर खेलते हैं तो ये भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं। बाकी बैटिंग सेक्शन से अदनान उल मुल्क और या से अदनान आरिफ को मैंने लिया हुआ, देखो उनके लास्ट मैच के अंदर बैटिंग तो नहीं आई लेकिन पॉइंट्स तो अच्छे दिए, 24 पॉइंट्स दिए। बाकी मोहम्मद उस्मान खेलते हैं तो या से अदनान आरिफ की जगह पर इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखो चांसेस है ऐसे अदनान आरिफ के ऊपर से खेलने के तो ये भी हो सकता है। बाकी अंसार खान डेफिनेटली अच्छी पिक है। बाकी अमजद गुल एक अच्छे प्लेयर है लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहेगा उनका। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो नासिर अजीज या से जवाद फरीद आर्यन लकड़ा और यहाँ से रोहन मुस्तफा हमारी टीम के अंदर रहेंगे। देखो मुदस्सर काफ़ी अच्छा बॉलर्स है, इनको ट्राई कर सकते हो लेकिन अभी क्या है ना कि किनको लोगे किनको छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन जो है वहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ से कन्फ्यूजन होने वाली है आपके लिए। अगर वजात रसूल भी खेल लेते हैं तो वहाँ पर तो फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बॉलिंग सेक्शन से उमेर अली, अंकुर संगवान और यहाँ से ताहिर लतीफ़ हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी ऑप्शन सारे मैंने आपको बता दिए, यहाँ से नव पबरेजा को ट्राई कर सकते हो, मोहम्मद अजमल को ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी टीम अभी के लिए कुछ इस तरह से बन सकती है कि कैप्टन रहेंगे या से रोहन मुस्तफा, वाइस कैप्टन की बात करो तो मैंने अंसार खान को किया हुआ है, ऑप्शंस की बात करो तो आर्यन लकड़ा है। देखो ज़्यादातर जनता कैप्टन या से नासिर अजीत को करके जा रही है, तो आप भी सेफ जाना चाहो तो इनको कर सकते हो। बाकी आप ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ हटके करना चाहो या से ग्रैंड लीग वगैरह कुछ डिफरेंस ही करना चाहो तो ऐसे खाली छह है आपके लिए अच्छा ऑप्शन, या से उमर अली के ऊपर रिस्क ले सकते हो। ये कुछ प्लेयर है जिनके ऊपर आपको रिस्क लेना है और रिस्क ले सकते हो। बाकी मेरी टीम अभी के लिए कुछ इस तरह से रहेगी, लेकिन याद रहिए डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइन आपके पास तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करते, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैच के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हैं लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।